भारत में एक बार फिर से कोरोना मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए केस मिले हैं, जबकि 284 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज बढ़कर 1,22,801 तक जा पहुंचे हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,500 के पार पहुंच गई है। चिंता की बात यह है कि पहली बार नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने के बाद ओमिक्रॉन अब देश के 23 राज्यों में फैल चुका है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल बताए जाते हैं। कोरोना का कहर एक बार फिर देश में देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में मिनी लॉकडाउन की घोषणा तक कर दी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा फिर कोविड संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बीते दिनों संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के मद्देनजर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दिए हैं। अब राज्य में कार्यालय में भी 50% हाजिरी के साथ काम करना होगा। अभी के लिए 12 जनवरी तक महामारी अलर्ट की अवधि बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी देखने के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण दर 12.02% पहुंच जाने पर अब प्रदेश सरकार नए कोविड प्रतिबंधों को लगाने की योजना बना रही है।